मैं हूँ दीपाली, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक्सप्लोर विद सनाली। सो दोस्तों, आप सभी को ईद मुबारक। तो ईद के स्पेशल मौके पे आज हम बनाएंगे शीर खुरमा। तो आइए शुशुटाक से रेसिपी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम दूध को बॉयल होने के लिए रख देंगे। ये मैंने 1 लीटर फुल क्रीम का दूध लिया है। इसके बाद हमें लेना है सेवियाँ, इसको वर्मीसिली भी कहते हैं। मैंने छोटी वाली ली है, आप ये लंबी लंबी वाली भी ले सकते हैं। 4 से 5 टेबलस्पून शुगर, 7 से 8 पीस बादाम, पिस्ता, काजू और सूखे वाले खजूर को मैंने गुनगुने पानी में 1 घंटे के लिए भिगा दिया था। कुछ किशमिश, कुछ चिरौंजी के दाने और 2 इलायची को तोड़कर उसके दाने निकाल लिए हैं। और देखिए, दूध भी हमारा परफेक्टली बॉयल हो गया है। अब हम इसको लो आंच पे थोड़ा सा और पकने के लिए रख देंगे। इसी बीच सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने लंबा लंबा करके काट लिया है। अब हमें लेना है एक पैन और उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी और सारे ही चॉप्ड किए हुए ड्राई फ्रूट्स को हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। इससे जो शीर खुरमे का टेस्ट है ना दोस्तों, वो दुगना हो जाएगा। और बस 2 से 3 मिनट तक हम लो गैस पे इसको चमचे से हिलाते हुए भून लेंगे। और देखिए दोस्तों, ये गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे और सेम पैन में हम डालेंगे 1 स्पून देसी घी और उसमें जो वर्मीसिली ली हुई है ना, उसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। दोस्तों, सेवियाँ कोई कम भुनी हुई पसंद करता है और कोई ज़्यादा भुनी पसंद करता है। मैंने तो इसको अच्छी तरीके से डार्क ब्राउन कलर होने तक भून लिया है। ये लीजिए, और बस अब असेंबलिंग का काम रह गया है। दूध हमारा पक के रेडी है और बस बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, एक एक करके सारी चीज़ों को डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स हमने डाल दिए हैं, इलायची के दाने डाल देंगे और जो ब्राउन कलर की सेवियाँ, देखो कितनी बढ़िया भुन के तैयार हो गई थी, ये भी डाल दी है। ऑलरेडी भुन चुकी है तो इनको पकाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और देखिए, अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद देखिए, इसका कलर एकदम से वाइट से क्रीमिश हो जाएगा। एक बॉयल आने तक हम इसको दोस्तों पका लेंगे। दोस्तों, बहुत ही जल्दी ये डेजर्ट बनके तैयार हो जाता है और टेस्ट का तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये कितनी स्वादिष्ट है ना दोस्तों। और ये देखिए, एक बॉयल आ गया है। हमें इसको अब ज़्यादा नहीं पकाना है, सेवियाँ हमारी पक गई है और बस ईद स्पेशल शीर खुरमे को हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये शीर खुरमे की रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए, शीर खुरमा बनके तैयार हो गया है। मैंने इसको आधे से 1 घंटा ठंडा होने के लिए रख दिया था क्योंकि मेरे को तो शीर खुरमे का डेजर्ट ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी ही न्यू रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। एक बार फिर से आप सभी को ईद मुबारक। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।